वेलकम वेलकम टू माय चैनल सीजी एंड एनिमेशन। मैं हूं प्रदीप, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस ट्यूटोरियल की। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं लेयर्स के बारे में। तो लेयर्स बेसिकली होती क्या है, तो मैंने सोचा कि पहले आपको टूल बताने के पहले मैं अपनी लेयर को डिस्कस कर दूँ। तो लेयर हमारे फोटोशॉप में क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लो मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट लिया, मैं उसको एडिट कर रहा हूँ, या कोई कैरेक्टर लिया मैं उसको एडिट कर रहा हूँ, तो उसकी आँख एक अलग लेयर में डाल दी, कान एक अलग लेयर में डाल दिया, इस तरीके से। तो मैं जब अगर इन फ्यूचर कुछ अगर मैं उस एडिट करना चाहता हूँ, तो सिर्फ उस एक लेयर को पकड़ के मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये होता है लेयर का काम। लेयर बहुत ही हेल्पफुल है हमारे फोटोशॉप में। तो और लेयर को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक दीवार बनी हुई है, उसमें कुछ एक ईंटें लगी हुई हैं, तो एक ईंटे की एक लाइन को हम लोग एक लेयर बोल सकते हैं। तो लेयर वाइज हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में लेयर पैनल दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो आप जा सकते हैं विंडो देन लेयर्स, यहाँ पे आप 7 शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं तो आपका लेयर पैनल खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर पैनल दिख रहा है। तो मैं समझाने के लिए पहले आप यहाँ न्यू लेयर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, या आप यहाँ पे आप एक आइकॉन देख रहे होंगे साइड में छोटा सा, इसको न्यू लेयर आइकॉन बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू लेयर्स बना सकते हैं इस तरीके से, और आप लेयर को डिलीट करने के लिए डिलीट प्रेस करेंगे, या आप लेयर एक मेनू में दिया हुआ है लेयर देन न्यू करके भी आप लेयर बना सकते हैं, ग्रुप और बैकग्राउंड लेयर कर सकते हैं, लेयर का ग्रुप बना सकते हैं वगैरह वगैरह। जो ऑप्शन आपको यहाँ से दे रखा है वही ऑप्शन आपको यहाँ पे, जैसे कुछ ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। उस लेयर को आप PNG में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं लेयर को। लेयर को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल J। इसके अलावा लेयर को आप फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर से, पैटर्न कलर से, सॉलिड कलर से। जैसे मैं मान लूँ कि एक लेयर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं जाता हूँ लेयर, देन मैं इस पे करता हूँ लेयर, मैं इसको अभी मैं आपको बता रहा था कि लेयर को आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेयर के साथ, लेयर बैकग्राउंड लेयर। इसके अलावा आप इस पे लेयर को कर सकते हैं फिल, जैसे मैं इसको सॉलिड कलर से फिल करूँ, जो भी मैं कलर यहाँ पे चूज करूँगा उस कलर से फिल हो जाएगा। ओके करूँगा, कोई भी एक कलर चूज करता हूँ तो मेरी वो लेयर अभी इस कलर से फिल हो चुकी है। अभी ये नीचे वाली लेयर अलग है, ऊपर वाली लेयर अलग है। तो इस तरीके से लेयर पे काम करते हैं हम लोग। जैसे अभी दो एक लेयर दो लेयर हो गई, इसके बाद मैं इसको शिफ्ट के साथ नीचे वाली लेयर को भी सिलेक्ट करता हूँ, और इस अगर फोल्डर आइकॉन को आप क्लिक कर देंगे तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा, या इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल V, आप इससे भी ग्रुप बना सकते हैं लेयर्स का। इसके अलावा दो लेयर को कंबाइन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से देखिए दोनों लेयर मर्ज हो गई। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई आप अगर लगाएंगे तो वो लेयर तो आपके नीचे की ओरिजिनल एडिज रहेंगी, इट इज लेयर बनी रहेगी और ऊपर एक आपको नई लेयर बना के देगा फोटोशॉप हमारा सॉफ्टवेयर, जिसमें कि वो दोनों लेयर कंबाइन करके आ जाती हैं। तो इस तरीके से लेयर हमारी होती हैं। इसके अलावा कुछ एक यहाँ पे लेयर के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ग्रेडियंट है, सॉलिड है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है आपको। इसके अलावा कुछ एक यहाँ पे इनको बोलते हैं हम लोग कुछ एक एडजस्टमेंट लेवल्स, एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, जैसे लेवल्स है, कर्व हुए, एक्सपोजर हुआ, ये सब आपके एडजस्टमेंट लेयर में आते हैं। इसके अलावा लेयर को स्टाइलिंग देने के लिए हम लोग एफएक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ एक टेक्स्ट लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैंडम। अभी फिलहाल के लिए इसको मुझे ट्रांसफॉर्म टूल से थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो कंट्रोल T है ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट। मैंने जो रैंडम लिखा है अभी मैं इसको बीचों बीच लाता हूँ, और इस लेयर में मैंने भी रैंडम डाल रखा है। तो मैं एफएक्स में जाता हूँ, देन आपके ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो आपके लेयर स्टाइल खुल जाती है पूरी। इसमें ब्लेंडिंग में बहुत सारे लेयर ऑप्शन है, जैसे मैं बेवल एंड इम्बॉस करता हूँ तो आप देखेंगे बेवल आ गई है इस पर थोड़ी सी, अगर बेवल एंड इम्बॉस पर जाकर इसकी डेप्थ बढ़ाऊँ तो आप इस चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद मैं अगर इसमें कंटूर ऑन करता हूँ, कंटूर में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं
लेयर की स्टाइलिंग थोड़ी बहुत इस पे जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आप हाइलाइटेड एरिया में देख रहे हैं वो आ रहा है। इसका जिसका स्ट्रोक मैं देना चाहूँ तो इस पे स्ट्रोक दे सकता हूँ, कलर स्ट्रोक का मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने लेयर के लिए। इसका स्ट्रोक का साइज जो मैं देना चाहूँ उस पर दे सकता हूँ इस तरीके से। इसका मैं इस पर इनर शेडो देना चाहूँ, लेयर को इनर शेडो दे सकता हूँ। अब कितनी रहेगी इनर शेडो, डिस्टेंस कितनी रहेगी शेडो की, चोक मैट कितना रहेगा, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करता जाऊँगा धीरे धीरे कि ये सब आखिर होता क्या है। इसके अंदर मैं इनर ग्लो देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं कलर ओवरले से एक सिंगल कलर इस पर फिल कर सकता हूँ, जो कलर मैं चाहूँ यहाँ से। जैसे मैं ये कलर फिल करना चाहूँ तो मैं ये फिल कर सकता हूँ, ओपेसिटी इसकी बढ़ा सकता हूँ मैं, नॉइस वगैरह इस पर इंक्रीज कर सकता हूँ, रेंज वगैरह है। इसके अलावा पैटर्न में अगर इस पर फिल करना चाहूँ कोई एक, तो मैं पैटर्न भी इस पर फिल कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट में। इसके अलावा यहीं से लेयर स्टाइल से मैं अगर इसमें ड्रॉप शैडो देना चाहूँ तो मैं ड्रॉप शैडो अपने टेक्स्ट को दे सकता हूँ इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ लेयर की इस इफेक्ट्स और ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से, अभी मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको एक एक आएगा जो लेक्चर्स में, मैं आपको सिर्फ ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में बताऊंगा लेयर्स के। फिलहाल अभी हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो इफेक्ट अप्लाई की है लेयर पे वो हमारे साइड में दिख रहे हैं और हमारा टेक्स्ट इस तरीके का बन चुका है। अगर मैं इफेक्ट ऑफ कर दूँ तो ये था, अभी इफेक्ट ऑन करने के बाद मैं अगर एक एक करके इंडिविजुअल इफेक्ट को ऑन करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे वेवलिन एम्बॉस, स्ट्रॉक, इनर ग्लो, कलर ओवरले, पैटर्न ओवरले, ड्रॉप शेड वगैरह इसमें अप्लाई किए। इसके अलावा लेयर पे कुछ जगह पे ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह भी होते हैं, लेयर मोड्स इनको बोलते हैं, तो आपको ब्लेंडिंग मोड का ट्यूटोरियल अलग से बनाऊंगा। इसके अलावा लेयर की आप एक चीज़ जो ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी लेयर कितनी विजिबल होगी और कितनी अनविजिबल होगी। इसके बाद लेयर में आपको इसमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मास्किंग बताऊंगा। जैसे आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके आप इस डिलीट आइकॉन पर ले जाएं तो भी इस लेयर को आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं अपनी भी लेयर्स को डिलीट करता जा रहा हूँ तो ये सारी लेयर्स हमारी डिलीट होती जा रही हैं। अभी फिलहाल के लिए एक ही लेयर बची है तो डिलीट नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू लेयर और अपनी ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर को मैं करता हूँ डिलीट। इस पर मैं एक कलर फिल कर लेता हूँ फिलहाल के लिए भी देखने के लिए, ऐसे ही रैंडम कलर कोई भी। अभी मेरी लेयर सेलेक्ट करनी होगी और ऑल्ट बैकस्पेस लगाना होगा तो आपका कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो चीज़ वहाँ से करते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं लेयर को हाइड कर सकता हूँ यहाँ से भी। इसके अलावा यहाँ से मैं इसका आइकॉन लेयर का दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको लेयर को हाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा लेयर में जो होता है और मैं बताता हूँ, जैसे मैं कोई एक न्यू इमेज ले आता हूँ, इस पर इमेजेस में नहीं डाल रहा सॉरी, तो मेरी किसी प्रोजेक्ट की इमेज है मैं इसको नहीं ले सकता। जैसे मैं यहाँ पे इमेजेस पड़ी हुई है, मैं किसी एक इमेज को उठा के ले आता हूँ। जैसे मैं इस लेयर को, इस इमेज को उठा के ले गया है इस पर, इस तरीके से मैं सॉरी शायद इस पर नहीं आ रही है, मुझे रीनेम करनी पड़ेगी। वो इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से, इसको मैंने बड़ा किया थोड़ा सा, इंटरप्रेस कर दिया। अभी आप लेयर पे एक छोटा सा आइकॉन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है मेरा, यानी अगर हम डबल क्लिक करें इस पर तो ये ऑब्जेक्ट एक न्यू लेयर पे खुल जाएगा। वो जो सेपरेट ऑब्जेक्ट था वो मेरा अलग लेयर में खुल गया। अगर मैं इस पर एडिटिंग करूँ तो वो मेरे उस ऑब्जेक्ट पर एडिटिंग हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट को लिखता हूँ, जैसे DWPT लिखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ बीचों बीच। अब मैं अगर इस पे जाऊँ, इस लेयर को क्लोज करूँ, यस करूँ यहाँ से, तो मैं अगर मैं अपनी ओरिजिनल लेयर में जाऊँगा, सेव कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं, ओके। तो ओरिजिनल लेयर में एडिटिंग, सॉरी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए नहीं हो रहा है, तो ओरिजिनल लेयर में एडिटिंग हो जाती है। इसको और अपनी लेयर को हम लोग अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं तो रेस्टराइज कर सकते हैं लेयर को, रेस्टराइज लेयर, और फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट और लेयर, रेस्टराइज लेयर में अंतर क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ लेयर को, कंट्रोल लेयर डुप्लीकेट का शॉर्टकट है। इसमें इस लेयर को पकड़ता हूँ
और इसको मैं भी कंट्रोल टी करके छोटा करूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसे शिफ्ट ऑल्ट के साथ मैंने एकदम से छोटा कर दिया, इंटरफेस कर दिया, इस लेयर को फिलहाल के लिए भी हाइड करता हूँ। इसके बाद फिर मैंने कंट्रोल टी अप्लाई किया और इसको बड़ा करना स्टार्ट किया, तो मैं शिफ्ट ऑल्ट और शिफ्ट लगाऊँगा और इसको बड़ा करूँगा। अब अगर मैं इंटरफेस करूँ तो आप देखेंगे पहले इमेज की क्वालिटी से दूसरी इमेज की क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है, यानी उसकी जो क्लियर है क्लियरनेस थी हमारी इमेज की हो जा चुकी है, यानी सारे पिक्सल्स दिखने लगे हैं। तो रेस्टराइज लेयर में आपको ये प्रॉब्लम आती है जब भी आप इमेज को जूम करें या कभी भी ट्रांसफॉर्म करें, तो उस पर मेक श्योर कि पहले आपने इसको रेस्टराइज में कन्वर्ट कर रखा है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रखा है। इसके बाद मैं इसको जितना चाहूँ उतना छोटा कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसके बाद इंटरफेस करना है, अब इसको मैं फिर से कंट्रोल डी करके बड़ा करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमारे लेयर के जो पिक्सल्स थे वो एज इट इज़ हैं, उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा मास्किंग तो मैं आपको नेक्स्ट अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ एक ऑप्शन बताता हूँ, जैसे आपको चलिए छोड़ो वो तो मास्किंग का ही पार्ट है जो मैं लेयर में बताने वाला था आपको। इसके अलावा लेयर में आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी लेयर की स्टाइल्स दी हुई हैं, जो मैं आपको बता रहा था मर्ज वगैरह वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा मैटिंग का ट्यूटोरियल मैं आपको अलग से बना के दूंगा। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट लेयर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी एडजस्टमेंट लेयर दी हुई है, आप एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से भी ला सकते हैं। आपका ये लेयर पैनल है, यहाँ पे सारी लेयर्स आपकी ऑर्गेनाइज रहती हैं और उसी पे हम लोग वर्क करते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल लेयर्स के बारे में, एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग बात करेंगे टूल्स के बारे में। तो मैं हूँ CGN एनिमेशन से प्रदीप, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय।